तो हेलो गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की और एक नई वीडियो में। और आज हम खेल रहे हैं रैंडम्स के साथ, क्योंकि मेरा टीममेट है क्राउन पे और मैं हूँ प्लेटिनियम पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, न्यू रूल्स के हिसाब से क्राउन वाले बंदे के साथ खेलने के लिए आप लोगों को एटलीस्ट डायमंड पे होना चाहिए। तो जिसके लिए मैं रैंडम्स के साथ मैचिंग किया हूँ और मुझे पहली मैच में मिल गया हैकर। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले मैच में ही तेरा पॉप आउट हो गया, लेकिन भाई पॉप आउट मेरा नहीं हुआ, लेकिन ओपोनेंट्स का ज़रूर हुआ है, क्योंकि हैकर मेरे ओपोनेंट पे नहीं, मेरे ही टीम में। तो एक तरफ से देखा जाए तो फ़ायदा मेरा ही है, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो मुझे डर भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा। तो जो भी है, जैसा भी है, आप लोग देखते रहो इस वीडियो को आखिर तक और देखो कैसे मेरे हैकर टीममेट ने बंदों को धूल चटाया है। तो चलिए और देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हम लोग फिलहाल उतर तो गए हैं और अभी थोड़ा सा लूट वगैरह करेंगे, थोड़ा सा नहीं अच्छी तरीके से लूट वगैरह करेंगे, फिर जाएंगे एनिमीज़ को मारने के लिए, नहीं गलत बोल दिया, फिर जाएंगे स्पाइडरमैन की शक्तियों को लेने के लिए और फिर जाएंगे एनिमीज़ को मारने के लिए। और गाइस, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि एक्चुअली मुझे अभी तक पता नहीं था कि मेरे टीम में एक्चुअली एक हैकर है, मुझे आगे खेलते हुए पता चला। और आप लोग भी देखते रहो, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका हेल्थ फुल कैसे है। तो गाइस, एक्चुअली मुझे दूसरा जीवन मिला है जीने के लिए, और बाकी आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे कैसे मिला है, क्यों मिला है। और अभी थोड़ा सा लूट वगैरह करते हैं, इधर से करके फिर निकलते हैं। तो गाइज, अभी का सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं ड्रॉप लूटने के लिए, लेकिन इधर तो बंदे भी मिल गए। और इसी के साथ ईडू भी ख़त्म हो गया, और मुझे अब तक ऐसा नहीं लगा कि ये लोग कुछ हैक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस सीन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैं इन लोगों को शक करूं, क्योंकि इधर एक ड्रॉप गिरा हुआ है और मुझे लगा कि ये लोग ड्रॉप लूटने के लिए आए हैं। और आगे देखा कि इधर एक डू है तो इनको मार दिया, लेकिन ये इतना आसान वाला सीन नहीं था, और ये बात मुझे आगे जाके पता चला। तो देखते रहो आप लोग। तो हम लोग इधर से शांति से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी मी हेक्कुर भैया ने उधर डेंजर हेड का मार्क दिया है। और गाइस, मैं इधर पूरा हिल गया था, मतलब इनको कैसे पता चला कि भाई इधर एनिमीज है। नहीं, आप लोग ही बताओ, ना तो इधर से कोई फायरिंग आया है और ना तो इधर कोई दिखा था हमको, तो कैसे पता चला इनको कि इधर एनिमीज है। और इधर गाड़ी से आके सीधा उतर के बाउंड्री के अंदर घुस के फैलना शुरू कर दिया, मतलब जैसे कि इनको पहले से पता हो एनिमीज का लोकेशन। मुझे तो पता भी नहीं था, आप लोग ज़रा रिवाइंड करके देख लो वीडियो, मैं गाड़ी से उतर के खड़ा हुआ था, मुझे कुछ पता भी नहीं था। और भाई, मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा है कि अगर ये लोग हैकर नहीं है तो इनको कैसे पता चला कि इधर एक टीम है। और ये सब लोग नहीं, ये जो मी हेकुर भैया है ना, ये तो सचमुच का हैकर है। एक तरफ से नया नया सीजन स्टार्ट हुआ है और ये लोग कॉन्करर के लिए शायद पूछ दे रहे थे कैम करके, और इधर इनका पॉप आउट हो गया। और मैंने बोला था कि मुझे एक तरफ से डर भी लग रहा है, क्योंकि एक तरफ से ये लोग तो बंदों को फैले जा रहा है और दूसरी तरफ से दबा के रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, इनके चक्कर में मेरा अकाउंट बैन ना हो जाए, मुझे बस ये डर है। इधर क्यों रोकती? ओ अच्छा, इधर भी बंदे हैं भाई, इनको सब पता रहता है भाई किधर बंदे हैं किधर नहीं है। पिंक
तो ठीक ही है लेकिन नेट बहुत ही ख़राब है, मतलब मिस फायरिंग हो रहा है। और अगर आप लोग नाम पे गौर करोगे, इधर ऑफलाइन दिख रहा है लेकिन मैं ऑनलाइन ही हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हो। ये है सस्ते नशे। तो फिलहाल ये एक टीम तो ख़त्म हो गया, लेकिन उधर से और एक टीम आ गया है और वो लगातार हमारे ऊपर फायरिंग करे जा रहा है। लेकिन कोई नहीं, हमारा हैकर भैया जी है ना, उनको देखने के लिए। कहा था ना मेरे साथ मेरा हैकर भैया है, तुम लोग मेरा बाल भी बगा नहीं कर सकते। लेकिन तेरे को तो नॉक कर दिया। लो भाई इसको भी देख लिया, मतलब एक तो हो सकता है कि मुझे ही कम दिखता है और दूसरा हो सकता है कि इनको कुछ ज़्यादा ही दिखता है। और इधर देखो, ना तो मैं इधर एनर्जी ड्रिंक वगैरह खा पा रहा हूँ और ना तो पेन किलर खा पा रहा हूँ और ना तो बैंडेजेस लगा पा रहा हूँ। मतलब क्या चल रहा है मेरे साथ, मुझे भी नहीं पता भाई क्या चल रहा है। आप लग रहा है इधर एक को रिवाइव देके उठा और उधर से दूसरा भी नॉक हो गया। अब भाई मैं कुछ काम आऊ ना आऊ लेकिन रिवाइव देने के काम जरूर आ रहा हूँ। मुझे पता था ये जरूर ऊपर उठने वाला है, इसीलिए मैंने बॉम्ब कुक कर दिया और बॉम्ब, और इसको फिनिश करने के लिए फिर से और एक बूम कुक किया, लेकिन देखा कि एक नंबर ऑलरेडी उठ गया है तो इसीलिए कैंसिल कर दिया। और मुझे इधर जोरदार पड़ी, तो इसी के साथ हमारे टीम के बच रहे थे सिर्फ एक बंदा जो कि है हमारा हैकर भैया। तो देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। तो हमारा हेकुर भैया एक को फिनिश करके भगवान के प्यारे हो गए हैं। तो इसी के साथ हमारा हेकुर भैया के फिनिशेस कुछ 19 हो जाते हैं, बहुत सही। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।